हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम का ट्रेनर मास्टर। आज मेरे साथ में जो स्टूडेंट है उनको आज पाँचवा दिन हो चुका है, तो पाँचवें दिन में उनका जो कंट्रोलिंग कैसा है क्या है वो हम देख लेंगे आज उनकी ट्रेनिंग में, और क्या क्या चीज़ उन्होंने अभी तक सीखा है और क्या उनको कुछ अभी एक्सपीरियंस हुआ है ये पाँच दिन में, चार दिन में, आज पाँचवा दिन है। तो चलो पूछ लेते उनसे, आपका नाम क्या है? आपको चार दिन में क्या समझ में आया, क्या क्या चीज़ आप कुछ चार दिन में आपको क्या स्टेरिंग का जजमेंट समझ में आया, क्लच ब्रेक का किस चीज़ का आपको स्टेरिंग का समझ में आया, क्लच का और ब्रेक का। अच्छा, क्लच ब्रेक का समझ में आ गया। फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाते हैं आप अभी? अच्छा, तो ठीक है, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। ये चाबी सीट एडजस्ट कर लिया आपने? क्लच दबाइए। ओके, सीट बेल्ट लगाया आपने? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये हैंड ब्रेक जो है ना, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हैंड ब्रेक नीचे नहीं उतारना है। जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इंजन ऑन करेंगे, तभी हैंड ब्रेक को नीचे करना है। क्यों, क्या होता है आलोक, क्योंकि हैंड ब्रेक जब नीचे, कभी पैचर स्लोप में गाड़ी है, आपने गाड़ी पार किया, गाड़ी स्लोप में रहेगी और आपने बिना इंजन स्टार्ट किए हैंड ब्रेक को नीचे कर दिए, तो गाड़ी ढलान की तरफ आएगी, तो उस टाइम पे जो है पैडल ब्रेक लगता नहीं है, समझे? पैडल ब्रेक जो है काम नहीं करता, पैडल ब्रेक चारों डिस्क काम करता है इंजन ऑन होने के बाद, ठीक है? तो इस चीज़ का याद रखना है आपको। आपने सीट बेल्ट लगा दिया, मेरे एडजस्ट किया आपने, RVM एडजस्ट किया, लुकिंग ग्लास बैक का और लेफ्ट का बराबर है। ओके, चलिए अभी हैंड ब्रेक को नीचे कीजिए, इंजन ऑन किए ना, हैंड ब्रेक नीचे करो, उठाओ पहले बटन दबाओ, उठाओ, उठा के बटन दबाने का है, उठाओ बटन दबाओ, हाँ अब नीचे करो, बटन दबा के नीचे करना है, उठाओ बटन दबा के नीचे करो, हाँ नीचे करो। ओके, चलिए रिवर्स गियर डालिए, क्योंकि अभी सामने मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है ना, तो हमारी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं होगी, नहीं रिवर्स गियर नहीं गया आपका, रिवर्स गियर कैसे डालना बताया था आपको ना मैंने, देखो इससे कुश्ती मत करो गियर के साथ, ये आपका गियर है, अपनी तरफ खींचो आराम से, क्लास, एकदम सिंपल है, ठीक है? अब लुकिंग ग्लास देखो और लेफ्ट का मिरर देखिए और पिछाने दीजिए गाड़ी को, आने दीजिए और आने दो, नहीं नहीं रेस नहीं देना है, स्टॉप कर दो, क्योंकि ये जो हमारे गाड़ी है ना, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर बहुत पावरफुल होता है, तो रिवर्स गियर में जो रेस देने की ज़रूरत नहीं है, अगर गाड़ी चलान पर है या कहीं खड्डे में तो वहाँ रेस दिया जाता है, ठीक है? तो लाइट मारिए, लाइट का इंडिकेटर ऑन कीजिए, लाइट का मिरर देखते हुए गाड़ी आपको निकालना है, ठीक है? पीछे से देखना कोई गाड़ी आपको आ तो नहीं रही है ओवरटेक करके, ठीक है? आराम से निकालिए धीरे धीरे, ठीक है? देखिए आदमी सामने चल रहा है, गाड़ी के साथ आदमी को भी देखना है आलोक। चलिए देखो, ये डिवाइडर रोड है, पब्लिक भी चल रही रोड के ऊपर, और साथ में लेफ्ट में गाड़ी पार्किंग भी है, तो अभी आपको ध्यान क्या रखना मालूम है? आपको लेफ्ट का ध्यान ज़्यादा देना है आपको, राइट का तो आपको जजमेंट मिल गया है, लेफ्ट का जजमेंट के लिए आपको क्या ध्यान देना है, ये लेफ्ट का जो पिलर है ना ये, और ये लेफ्ट का मिरर, ये दोनों आपको देखना है हर 4-5 सेकेंड। मैंने आपको बताया भी था कल इस बारे में, आपको मैंने बोला भी था, तो लेफ्ट का मिरर और लेफ्ट का पिलर ये आपको दोनों देखना है। देखो यहाँ पे आपका जो हाथ घूम रहा है, एक हाथ रखिए, चलिए ये दोनों आपको ध्यान देना है, हल्का सा लेफ्ट में लीजिए और स्टेयरिंग को एकदम ढीला पकड़ना है। असल में क्या था, जो लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक में क्या हैंडल एकदम टाइट पकड़ा जाता है ना, बिल्कुल टाइट हैंडल पकड़ते हैं, लेकिन कार में ऐसा होता है कि स्टेयरिंग को एकदम ढीला पकड़ना होता है। चलिए आराम से, टर्निंग आ रही है, आराम से रोड के हिसाब से स्टेयरिंग को घुमाना है आलोक, वेरी गुड, ठीक है? चलिए चलिए आप चलिए आराम से आलोक, बात याद रखना, गियर जब भी चेंज करेंगे ना तो क्लच को पूरा दबाना है, क्लच को दो, एक आप स्टेयरिंग कैसा पकड़ रहे हो, आप गलत स्टेयरिंग पकड़ रहे हो, हाँ आराम से क्लच को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लच का काम ख़त्म हो गया अभी ना, अगर आप क्लच ऐसा पकड़ के रखेंगे ना तो इसका जो क्लच प्लेट जल जाएगा आलोक। छोटी मोटी चीज़ें इनको ध्यान रखना ज़रूरी है गाड़ी चलाने के वक्त,
ठीक है। अभी आगे से हम यूटर्न मार गए, देखो अभी ये भी आराम से जो चलाना, देखो हाँ पब्लिक चल रही है, हॉर्न बजाना ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक को जब तक हम अलर्ट नहीं करें उसको मालूम नहीं समझेगा हमारी गाड़ी आ रही है। राइट का इंडिकेटर दो, राइट का मिरर देखो, गाड़ी को स्लो करो धीरे धीरे, ठीक है। यूटर्न मारना हमारे को, आराम से लो, कल उसको फुल दबा के फर्स्ट गियर डाल दो, गाड़ी स्लो गई ना, गियर चेंज करना आपको, फुल टर्न मारिए आराम से आराम से आराम से। देखिए 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 पब्लिक चल रही है, घाई मत करो, आराम से सीधा जगह पे सीधा करो गाड़ी, जगह पे हाँ जगह पे गाड़ी सीधा करना है। एक हाथ घेर पे रखो, जब भी यूटर्न मारेंगे ना, यूटर्न मारते ही गाड़ी को जगह पे सीधा कर देना, ठीक है। चलिए एक्सेलरेटर दो हल्का सा और दो रेस दो, दो रेस दो एक्सेलरेटर दो, दो रेस दो एक्सेलरेटर दो, सेकंड गियर डालो। चलिए गियर डालने के बाद कलच छोड़ना है भाई, कलच को पकड़ के दे रखना है। गाड़ी आपकी नागिन डांस क्यों कर रही है आलोक, आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या बात, आज घबरा रहे हो तुम गाड़ी चलाने में, क्यों ऐसा, कोई टेंशन है क्या? हॉर्न बजाओ, लेडीज चल रही है, थोड़ा आपको डाउट लगा ना फौरन हॉर्न बजा के सामने वाले को अलर्ट करने का है। चलिए धीरे धीरे आगे, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, स्टेरिंग झटके से मत घुमाना, आराम से चलो, एक ही साइड चलो, आप गाड़ी यहाँ वहाँ कर रहे हो ना, एक ही रास्ता, जैसा जहाँ रास्ता घूमेगा वहाँ पे स्टेरिंग घुमाना है आपको। चलिए आराम से, रास्ते के हिसाब से आपको स्टेरिंग घुमाना है, रोड के हिसाब से। मैं आपको पहले बताया क्लच को दबाएंगे तो ही घिर जाएगा, बिना क्लच दबाए घिर जाने वाला नहीं है। चलिए आराम से, चलिए धीरे धीरे चलो, आराम से जगह पे सीधा करो गाड़ी। चलिए वेरी गुड, चलो रेस दो। अभी आपने ना सेकेंड गियर चौथा गियर डाल दिया, पता है क्यों? आराम से सीधा लो, मैंने जो पोजीशन बताया था गियर डालने की ना, वो आप प्रैक्टिस नहीं किए लगता। चलिए रेस दो, एक्सेलरेटर दो, सुबह का टाइम मॉर्निंग का टाइम है ना, तो सब पब्लिक जाने वाली है, काम पे जाने वाली है, इसलिए जो आज रश ज़्यादा होने वाला है। लेफ्ट का इंडिकेटर तो आगे से लेफ्ट जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो आलोक जिस तरह गाड़ी चला रहे हैं उनकी ड्राइविंग में आपको कुछ कमेंट्स करना तो प्लीज़ कमेंट्स कर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।